आपके आईफोन का स्टोरेज फुल होने वाला है, बट डोंट वरी, मेरे पास कुछ फिक्सेस है जिनको आप डेफिनेटली ट्राई करके अपने आईफोन के स्टोरेज को फुल होने से रोक सकते हो। दिस इज मी अनिरुद्ध एंड यू आर वॉचिंग iGeeks Vlog Hindi। सबसे पहला तरीका है एंड सबसे बेसिक तरीका है कि जो भी एप्स आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हो, या फिर कुछ ऐसे एप्स जो कि आप यूज ही नहीं करते हो, या फिर ऐसे एप्स ही हो सकते हैं जो कि वेबसाइट वर्जन के थ्रू आप एक्सेस करते हो, तो उन एप्स को डिलीट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिलीट कर लेने से आप जो है काफी हद तक स्पेस जो है कंज्यूम होने से रोक सकते हो। इसके लिए सिंपली आप ऐप के ऊपर टैप एंड होल्ड कीजिए, फिर रिमूव ऐप का ऑप्शन आएगा उस पर टैप कीजिए एंड फिर डिलीट दी ऐप। इंटरनेट सर्फिंग करना ऑन सफारी ब्राउजर विल ऑलवेज रिमेन सीमलेस, बट क्या आपको पता है जो भी आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है एंड साथ ही साथ जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो उसकी भी डेटा स्टोर होती है, तो इन्हें क्लियर कर लेना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सिंपली आप आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, फिर नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, सफारी ब्राउजर के सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, उसके पर टैप करके आप डेटा को क्लियर कर सकते हो। डूइंग दिस विल सेव अ लॉट ऑफ स्पेस। ऑल्दो आईफोन के कैमरा से आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोटोज एंड वीडियोस को रिकॉर्ड तो कर सकते हो, बट कभी ऐसा हुआ हो सकता है आपके साथ कि एक्सीडेंटली आपने कुछ ब्लरी फोटोज कैप्चर कर लिया या फिर गलती से कोई वीडियो रिकॉर्ड आपने कर लिया, एंड इन्हें डिलीट कर लेना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि काफी सारा स्पेस आपके आईफोन में बच जाए। तो सिंपली इसके लिए अपने फोटोज एप्लीकेशन में जाइए एंड उसमें कोई भी फोटो या वीडियो जिसे आप डिलीट करना चाहते हो उनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। साथ ही साथ एल्बम्स में आके आप रिसेंटली डिलीटेड में से भी उसे डिलीट कर ले ताकि वहां से भी वो क्लियर हो जाए। ऑल्सो अदर देन आईफोन्स इंटरनल स्टोरेज, आप अपने आईफोन में लिए गए फोटोज, वीडियोज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लाउड सर्वर के ऊपर बैकअप बना सकते हो। क्लाउड सर्वर जैसे कि एप्पल का आई क्लाउड हो गया, फिर गूगल के फोटोज हो गए या फिर गूगल का ड्राइव हो गया, इनमें आप क्लाउड बैकअप बना सकते हो। वंस डन आप इनको अपने आईफोन से डिलीट कर सकते हो, मतलब जो फोटोज फाइल्स या फिर जो भी वीडियोस आपने कैप्चर किए उन सबको बैकअप बनाने के बाद डिलीट कर दो ताकि काफी सारा स्टोरेज यहाँ पर सेव हो जाए। बेसिकली इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, अगर आपके पास इंटरनेट है तो डेफिनेटली इस मेथड को यूज कीजिए। ऑल्सो जब भी आप ऑडियो पॉडकास्ट को डाउनलोड करते हो फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई या फिर एप्पल पॉडकास्ट, तो ये भी काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है। अगर आपने इन पॉडकास्ट को सुन लिया है तो इन्हें आप डिलीट कर दें ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी आप एक नया पॉडकास्ट डाउनलोड करना चाहते हो और उसे सुनना चाहते हो बाद में, तो उसके लिए भी स्पेस रिमेनिंग रहे। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आप जो है हमें वॉकी टेकी पे फॉलो कर सकते हो एंड वहां पर हम जो है लेटेस्ट टेक एपिसोड्स डालते रहते हैं। टेक की दुनिया में क्या चल रहा होता है, क्या लेटेस्ट है एंड क्या अमेजिंग है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगा जरूर से, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। नॉट जस्ट ओनली ऑडियो पॉडकास्ट बट ऑल्सो वीडियोस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या फिर Amazon Prime या फिर Netflix। जब भी आप ऑफलाइन पर्पस के लिए यहां से कोई भी मूवीज या सीरीज को डाउनलोड करते हो तो ये भी काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है, एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप इन्हें भी रिमूव कर दें ताकि आगे आने वाले टाइम में जैसे एक नए एपिसोड को आप सेव करना चाहते हो ऑफलाइन के लिए या फिर कोई मूवी को, तो आप उसके लिए भी जगह क्रिएट कर सको। एंड यू नो व्हाट, दीज आर द मेजर रीजन बिहाइंड स्टोरेज कंजम्पशन, so definitely इसे follow कीजिए। Also there could be many voice recordings जो कि accidentally हुआ हो या फिर आपने गलती से कभी record कर लिया, but those are useless, तो उन्हें भी आप delete कर ले क्योंकि ये भी एक reason है आपके iPhone के storage को consume करने का। इसके लिए आप अपने iPhone के spotlight में search कीजिए voice memos, इस app के अंदर जाइए एंड यहाँ पर आप select करके उन audio को remove कर सकते हो जो कि unnecessary है। And the final one, अगर आपने internet में से कोई भी file को download किया है या फिर कहीं से भी कुछ भी save किया है तो most probably वो आपके iPhone के storage में save हुआ होगा, specially on my iPhone के section में। And वहाँ पर आपके काफी सारे ऐसे files होंगे जो कि आपने explore भी नहीं किया होगा, तो उन्हें भी आप delete कर ले क्योंकि ये भी एक major reason हो सकता है आपके iPhone में storage consume करने का। इसके लिए iPhone के files app में जाइए, फिर वहां पर ब्राउज सेक्शन पे टैप करो, फिर टैप ऑन माय आईफोन, एंड इसके अंदर जाके आपको जो जो फाइल्स या फिर डेटा लगता है अननेसेसरी है उन्हें आप डिलीट कर ले, एंड दैट्स इट। आई होप अब आप इन फिक्सेस को यूज करके अपने आईफोन में काफी सारा स्टोरेज सेव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए आए हो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले फ्रेश वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू डाउनलोड iGeeks Vlog ऐप। अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए दिस इज मी अनिरुद्ध एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।